अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदी बात करें नूरजहां के एपिसोड 22 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा वो काफी खुश होती है, वो कहती है कि वो इन सबको एंजॉय कर रही है। और वहां पे उसे देख के सफीना को नूरजहां को तो जैसे पता नहीं आग ही लग जाती है। वहीं सब मरीद आते हैं तो वहां पे वो उसको भी खड़ी खड़ी सुनाते हैं और उसके लिए उसको काफी एहतराम देते हैं। और वहीं पे वो उसकी बहू जो कि उसकी चापलूसी करती है उसके पास पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ उसे कहता है कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है वगैरह, और हुनैन उसे काफी बातें करता है। उमैर को काफी बुरा लगता है सब कुछ, और दोनों तीनों ही बैठती है। वहीं उसे कहती है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वहां पे उसे कहते हैं कि मैं उनके लिए शहजादी ही हूँ उनकी। इसी तरह मैं को संभाल लेती है और वहीं उसे कहती है कि उसकी हर बात आके बताती है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और वहीं वो उसको लेके जाती है और सबके साथ बैठ के बात करते हैं। उसे कहती है जिस तरह मैं हूँ वैसे तुम भी हो यहाँ के मालिक। वहाँ उनका काफी ख्याल रखती है वगैरह, उस काफी अच्छा। और वहीं उसको भी अच्छी खासी सुनाती है। वो सुबानो कहती है तो वो सुनती नहीं है, जब नूर बानो कहती है तभी वो उसकी बात सुनती है। आने वाले एपिसोड में देखना है सफीना को काफी अहमियत देती है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है वो उसको कहता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, और वो उसे कहती है कि तुम आज से उसको नूर बानो नहीं बल्कि सिर्फ नूर कहोगे। उमैर को ये बात काफी बुरी लगती है। हुनैन का तमाशा करता है और उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से, मुझे भी मेरी वजह से तुम्हें भी टॉलरेट करना पड़ रहा है। वैसे कहता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, उससे काफी बुरा लगता है। अब देखना ही आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा, उमेर कैसे साथ देगा वो नूर बानो का। आप अपनी रिकमेंड के जरिए जो दीजिएगा।